हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता और हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पर, है ना, यानी कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा। देखिए, जिस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही विशाल है, उसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी विशालतम है। हम इसे इसलिए दो पार्ट में कवर करेंगे, जिससे कि जो भी लैंडमार्क डिसीजंस आए, इससे संबंधित बहुत सारे केस जो सुप्रीम कोर्ट में चले आ रहे थे पुराने, तो हम उनको सारे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक एक बारीकी समझ में आए कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा है वो प्रतिपादित हुई। चलिए शुरू करते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? डॉक्ट्राइन क्या होता है एक्चुअली? ये जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, ये कहीं संविधान में लिखा नहीं है, फिर भी ये संविधान की रग रग में बसा हुआ है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है, एक इंडियन जुडिशियल प्रिंसिपल है, कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित की हुई एक ऐसी अवधारणा जिसको पार्लियामेंट या संसद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती। किस तरह के चेंज नहीं कर सकती कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है ना, जो सोच के जो आइडियोलॉजी है या जो फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको ध्यान में रख के उसको बनाया गया था, वो बदले ना या वो ख़त्म ना हो जाए। तो अगर वो ख़त्म होती है ऐसे अमेंडमेंट्स के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल या वॉइड घोषित कर सकता है। कैसे फीचर्स को चेंज नहीं की जा सकता? तो ये बेसिक फीचर्स है, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर कंट्री। पहले इसी बात पे तनाव बना रहता था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, तो दोनों की वजह क्या सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे भारत का, वही सर्वोपरि है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताते हैं कि इंडिया जो है एक यूनिटी है, सोवरेनिटी है इंडिया में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रिपब्लिकन है, फेडरल और सेकुलर कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का वितरण किया गया है बराबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करते हैं हमारे भारतीयों को। ये सारे जो फीचर्स थे, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थे, मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये फिलॉसफी थी। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मैनी अदर फीचर्स ऑल्सो एडेड टू दिस लिस्ट। वो क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स और DPSP में बैलेंस बना के चलना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं हमारी कंट्री में, लिमिटेड पावर देना किसको, पार्लियामेंट को, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। हर कुछ अमेंड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पार्लियामेंट है हर कुछ अमेंडमेंट्स नहीं ला सकती। जैसे कि आर्टिकल 21 डील करता है राइट टू लाइफ से, क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स कर देगी कि आज से 21 जो आर्टिकल है उसको ख़त्म किया जाता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है ना, और ये बेसिक फीचर भी है, तो इसको पार्लियामेंट नहीं कर सकती ऐसा। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पावर दिए गए हैं, आर्टिकल 32 रिट इशू करने से संबंधित है, 136 स्पेशल लीव्स के से रिलेटेड है, और 142 डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इसमें, 147 इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। इसमें सारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ही जो पावर है वो है, तो इनको भी नहीं ख़त्म किया जा सकता। पावर ऑफ हाई कोर्ट के पावर है आर्टिकल 226 रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट 226 का यूज़ करके, 227 सुप्रिंटेंडेंस बनाता है हाई कोर्ट को। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये जो लिस्ट है बेसिक फीचर्स की, इनको अगर इनको चेंज करती है पार्लियामेंट, तो सुप्रीम कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहलाता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को नल या वॉइड घोषित कर सकती है। अब ये कैसे इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन कैसे हुआ बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा का, तो हम देखते हैं।
देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद होता है उसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के लिए, मतलब देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ कठिनाइयाँ हुई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि सभी नागरिकों को समानता मिलेगी, अवसर मिलेंगे, लेकिन जब हमारे भारत में ही अलग अलग वर्ग हैं। एक वर्ग ऐसा है ज़मींदारों का जो पूरे भारतीय भूभाग का 40 से 50% भाग अपने पास दबोच के बैठा है। एक भाग ऐसा है गरीब जनता का जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टैक्स दे रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जैसे आज का मिडिल मैन है। तो इतनी बड़ी जब असमानता फैली हुई है तो कैसे समानता लाएंगे? बहुत मुश्किल था, इसलिए चेंज करना बहुत ज़रूरी था कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहीं से इवोल्यूशन शुरू होता है। चाचा जी लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आए, क्योंकि ज़मींदार, उन्होंने कहा कि ज़मींदारों की जो भी ज़मीन है, ज़मींदारी सिस्टम को पहले तो ख़त्म किया जाएगा, तभी समानता आएगी। तो ज़मींदार जैसे कि पूरे पॉन्ड्स उनके पास, उनके कब्ज़े में आते हैं, एग्रीकल्चर लैंड उनके कब्ज़े में आता है, और भी जो भी ज़मीन है ना, तो वो भी ज़मींदारों के कब्ज़े में आती है। तो उनसे वो ज़मीन लेना बहुत अति आवश्यक था, इसलिए लैंड एक्विजिशन एक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। अब फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ा, और उसमें क्या था, ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए ज़मींदारों से जो एक्स्ट्रा भूभाग है वो लेकर उनको मार्केट वैल्यू का बराबर का कंपनसेशन दिया जाएगा, और जो ज़मीन उनसे ली जाएगी उससे डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 1951 में। क्या था इसमें, गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल को ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें लैंड रिफॉर्म्स और कुछ अदर लॉ उनको डाल दिया गया, और वो जो जो जुडिशियल रिव्यू से दूर होंगे, मतलब इन पे जो भी एक्ट और लॉ इसमें 9th शेड्यूल में है उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। एंड ऑल्सो इंसर्टेड आर्टिकल 31A एंड 31B। 31 आर्टिकल 30 किससे डील करता है, राइट टू प्रॉपर्टी से डील करता था ना, तो 31A में इन्होंने क्या डाला कि संसद लॉ बना सकती है किसी के भी इस्टेट को ऑक्यूपाई करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। 31B क्या डील करता था कि जो भी लॉ बनाए जाएंगे 9th शेड्यूल के अंदर, जो भी लॉ है उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। तो इस तरह से पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर दिया गया। अब आर्टिकल जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं किससे डील करते हैं, हमारे पार्ट 3rd में है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है। 13 डील करता है कि अगर पार्लियामेंट कुछ ऐसे लॉज बनाती है जिनसे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उन लॉ को नल और वॉइड घोषित कर देगी। अब क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म्स थे, प्रॉपर्टी राइट्स लेकर, प्रॉपर्टी राइट्स जो थे पब्लिक के उनको हनन कर रहे थे, तो केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो पहला केस है जो पार्लियामेंट का अपोज किया, गवर्नमेंट का अपोज किया था, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1951 का। अब क्या हुआ था, यूपी, एमपी और बिहार कुछ ऐसे राज्य थे जिन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को पास किया था। अब यही शंकरी प्रसाद एक ज़मींदार थे, इनकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, कहा कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट 3rd में वर्णित है उनका हनन हो रहा है। तो क्या पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है और हमसे छीन सकती है? तो सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त ये वर्डिक्ट आया था कि पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत पावर अमेंडमेंट करने का पावर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी भाग को, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स क्यों ना हो, अमेंड कर सकती है। तो ये इनके केस में ऐसा वर्डिक्ट आया था।
फिर इसके बाद क्या होता है, पार्लियामेंट 17th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है 1964 में। उसमें भी क्या था, कुछ 44 ऐसे लॉ थे जो लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड थे, उनको 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। और काफ़ी सारे स्टेट्स में पब्लिक की जो भी ज़मींदार थे या किसी की भी ज़मीन को एक्वायर करने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अपील हुई प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड। उसी वक्त ही सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का केस भी गया। सज्जन सिंह की स्टोरी क्या है थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, ये सज्जन सिंह जो हैं, ये एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रिक्रूट किए गए थे और इनको बाद में इन पे करप्शन के चार्जेस लगे तो डिसमिस कर दिया गया। अब इन्होंने अपील की कि मुझे, इन्होंने क्या क्या हवाला दिया, इन्होंने कहा कि मेरे आर्टिकल जो 311 है, आर्टिकल 311 डील क्या करता है कि जो भी रिक्रूट करेगा, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक्चुअली है, अपॉइंटमेंट करेगा कोई भी ऑफिसर, तो उससे जो हायर अथॉरिटी होगी या तो वो डिसमिस कर सकता है या उसी रैंक का कोई भी ऑफिसर डिसमिस कर सकता है, उसके सबऑर्डिनेट्स नहीं कर सकते। अब इनके केस में क्या था, ये जो सब इंस्पेक्टर थे इनको आईजी ने रिक्रूट किया था और इनको डिसमिस करा गया था डीआईजी के द्वारा, क्योंकि इन पे कुछ करप्शन के चार्जेस लग गए थे। इन्होंने कहा कि मुझे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि मुझे मेरी सफाई देने का मौका नहीं मिला, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया मैं और इमीडिएटली मुझे हटा दिया गया। और तभी भूप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस भी गया था, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था और काफ़ी सारे केसेस थे, सो सबको बाइंड कर दिया गया था और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 नेम दे दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इनके केस में तो ये जीत गए थे, इनको वापस अपॉइंटमेंट दे दिया गया था फिर से। और लेकिन जो लैंड रिफॉर्म के जो भी थे, मतलब प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड जो केसेस थे, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 368 का यूज़ करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंडमेंट्स कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के साथ भी। फिर क्या हुआ, अगेन अगला केस आता है, ये भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड था। ये गोलकनाथ जो है, ये भी ज़मींदार है पंजाब में और इनके पास 300 एकड़ के लगभग ज़मीन थी। पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, जब्त किया, इनको 30 एकड़ ही दी 300 में से, बाकी की खुद ने रख ली। अब गवर्नमेंट क्यों रख लेती थी ज़मीन, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलपमेंट के कार्य करना है और जिनके पास लैंड नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, राइट? तो इसलिए इनकी ज़मीन को ले लिया गया। इनके केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्लियर डिसीजंस थे उनको ओवर रूल्ड किया गया। सबसे लंबी बेंच बैठी थी उस वक्त की, 11 जजेस की बेंच थी और क्या डिसीज़न निकल के आया कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट नहीं छू सकती, क्योंकि ये इम्यूटेबल है और ट्रांसेंडेंटल है। फंडामेंटल राइट स्पिरिचुअल है, ह्यूमन एक्सपीरियंस से भी स्पिरिचुअल, इनको छुआ भी नहीं जा सकता। भगवान का दर्जा प्रदान कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और क्या कहा गया कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं प्रदान करता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट करे। मींस इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब खेल यहीं से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस आते थे तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स करके उसको अपनी सुप्रीमेसी शो करते थे कि हम सुप्रीम हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका रिजल्ट है, 1971 में जो आया। इसमें क्या कहा गया कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है क्या करने का, कोई भी चेंजेस करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स।
अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 24 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिल गया कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स कर सकती है। और क्या पावर दिया गया इसमें? इसमें कहा कि आर्टिकल 13 क्या कहता था कि जो भी लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, कोई भी लॉ बनाएगी और अगर वो फंडामेंटल राइट को सुपरसीड करेंगे या उनको हनन करेंगे तो ऐसे लॉ को सुप्रीम कोर्ट नल या वॉइड घोषित कर देगा, ये कहा था। लेकिन 24th अमेंडमेंट में इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 13 को अमेंड किया गया, कहा कि 368 के तहत कोई भी अमेंडमेंट करेगी तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मीन्स 368 में जो अमेंडमेंट्स किए जाएंगे उनको आर्टिकल 13 में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लॉ नहीं है, इनका मीनिंग ये था। और एक और क्या चेंज किया, क्या अमेंड किया इन्होंने, इन्होंने कहा पार्लियामेंट ने कि ऑब्लिगेटरी बना दिया प्रेसिडेंट को, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट को बाध्यकारी बना दिया कि वो अपना एसेंट उसको देगा ही, स्वीकृति देना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो ये तीन मेजर चेंजेस जो थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के वो 24वें में थे। एक 25वीं था और 26 भी इम्पॉर्टेंट है। 25th अमेंडमेंट में प्रॉपर्टी राइट को लिमिटेड कर दिया गया और 26 में प्रीवी पर्स को रद्द कर दिया गया, क्योंकि समान सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ बताकर इसको प्रीवी पर्स को रद्द कर दिया गया था। तो दो और अमेंडमेंट्स थे, उनको यहाँ पे लिखा नहीं गया है। फिर एक लैंडमार्क केस है ये, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का, ये एक लैंडमार्क केस है। इससे पहले के जो केस थे गोलकनाथ का, सज्जन सिंह का और शंकर प्रसाद का, इनमें अभी तक बेसिक फीचर का, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा नहीं थी। यहाँ पे इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट जो है वो उभर कर आया। ये डेट इम्पॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973, है ना, इस दिन ये डिसीज़न आया था। लेकिन क्या था ये, केशवानंद भारती जो है वो केरल में एक स्वामी जी थे मठ के, इनके पास बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा था, तो गवर्नमेंट ने इनकी ज़मीन को भी एक्वायर कर लिया था। इन्होंने भी अपने फंडामेंटल राइट का हनन होने का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, हालांकि ये केस हार गए थे। लेकिन इनके केस में ये जो बहुत बड़ा एक लैंडमार्क था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कंसेप्ट है वो निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडमेंट्स करने के पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के वो है, लेकिन क्या पार्लियामेंट कुछ भी चेंजेस कर सकती है? तो ऐसे कोई चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। यहाँ पे कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है कुछ, उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही हमारे भारत को दिखाता है, आईना है वो हमारा, कि हमारे भारत के लोग कैसे होंगे, हमारे भारत में किस तरह से रूल्स हैं चलाने के, विधि का शासन है ना, यूनिटी और इक्वलिटी है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन है, जो हमने डिस्कस किए थे कुछ देर पहले, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से नहीं लिख सकती, थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है, नेगेटिव चेंजेस नहीं कर सकती। ये इस केस का ये लैंडमार्क डिसीज़न था और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर की जो डेफिनेशन है उसका कंसेप्ट निकल के आता है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो इतने केसेस थे कि जो प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड थे, ये जो बेसिक राइट जो थे मतलब प्रॉपर्टी से। तो अभी तक जो हमने केस डिस्कस किए हैं, है ना, एक बार बता देते हैं। जैसे कि शंकर प्रसाद का केस था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है पार्लियामेंट, उसके बाद केस जाता है सुप्रीम कोर्ट का, डिसीज़न आता है शंकर प्रसाद का केस, उसके बाद सज्जन सिंह पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा गोलकनाथ का केस और अंत में हमने पढ़ा केशवानंद भारती केस। तो यहाँ तक जो थे केसेस ये सारे प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड केस थे। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो दूसरे फीचर्स को शो करते हैं जो समय समय पर हुए, है
है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जैसे कि विधिका शासन है, ये सब भी आएंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।